जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया वो साला अर्थी पे अपने घर गया। राठौड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर दोगे, और फिर आप कमेंट करके पूछते हो तो मैं हर एक को रिप्लाई तो दे नहीं सकता। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बार बार बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा क्लिक बेट करता है थंबनेल में, थंबनेल ऐसा बनाता है कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, इतना क्लिक बेट करता थंबनेल में। तो मैं उनको बार बार बोल चुका हूँ कि भाई मैं क्लिक बेट करता हूँ, मैं मान चुका हूँ, सॉरी भी बोल देता हूँ उसके लिए, तो मैं बार बार सॉरी भी बोल चुका हूँ आप, लेकिन थोड़ा बहुत क्लिक बेट तो करना पड़ता है। अब देखो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो बिल्कुल भी क्लिक बिट नहीं करते। आप जैसे कि देख सकते हो अनग्रेजुएट गेमर को, वो बिल्कुल भी क्लिक बिट नहीं करते। हिप हॉप बर्डर का उन्होंने बोला था कि रिटर्न में आएगा, तो रिटर्न में आ गया था पहले ही। और अभी देख लो बॉस ऑफिशियल अभी बोल रहे हैं कि भैया जो हमारे एलाइट पास है वो रिटर्न में आएंगे, तो देखो वो भी आपको एक दो दिन में देखने को मिल ही जाएंगे। अरे ये भी कोई क्लिक बिट है, आप मैं तुमको असली वाला क्लिक बिट दिखाता हूँ, देखो असली वाला क्लिक बिट। नो 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 और हाँ, अभी क्लियर कर दूँ कि जो इलाइट पास रिटर्न में आने की बात है, काफ़ी दिनों चल रही, मैंने सबसे पहले वीडियो बना के डाल भी थी कि इलाइट पास रिटर्न में नहीं आने वाले। जो फोटो थी वो फेक थी, 2 साल पुरानी फोटो थी, तो उसको उठा कर किसी ने थोड़ा सा एडिट किया और अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे डाटा माइनर करते हैं। तो एक डाटा माइनर ने यहाँ पे डाल दिया, तो दूसरे यूट्यूबर्स ने उठा के सबने यहाँ पे पेल दिया। अब कर लेते हैं काम की बात। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में जो घंटे वाला बटन है उसको दबाकर प्रेसेट करो, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ, आपको तो पता ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इवोल्यूशन यूएमपी। तो पहले तो हमारे गेम में फार्मास आएगी, इवोल्यूशन फार्मास, उसके बाद में इवो यूएमपी आएगी। तो अब दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है इवोल्यूशन यूएमपी, लेवल 7 पे काफी अच्छी लगती है। लेवल 1 पे उतना कुछ खास है नहीं इसके अंदर, लेकिन लेवल 7 पे काफी अच्छी लगती है। अगर एटीट्यूड्स की बात करें तो आपको डबल डैमेज प्लस रेट ऑफ फायर, माइनस में आपको मिलेगी रिलोड स्पीड। अगर इसके इमोट की बात करते, इमोट काफी अच्छा है, काफी ओपी लगता है इमोट, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। जितने भी इवोल्यूशन गन आई है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट इमोट है। अगर किल इफेक्ट की बात करते तो किल इफेक्ट भी वन ऑफ द बेस्ट किल इफेक्ट लगता है, काफी अच्छा लगता है मुझे। हीट इफेक्ट भी काफी अच्छा है और फायरिंग इफेक्ट भी काफी अच्छा है। बाकी किल अनाउंसमेंट बाकी सब कुछ सेम है। अगर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स वही है कि अगर आपका जब राउंड स्टार्ट होगा तो आपको जो गन में एक्स्ट्रा डैमेज देखने को मिलेगा। तो ये अलग तरह का यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स रखा गया है इसके अंदर, क्योंकि दूसरी जो गन आई थी उनमें या तो ग्लू वॉल था या फिर रेंज बढ़ने पर ऐसा कुछ डैमेज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर राउंड स्टार्ट होने पर डैमेज इंक्रीज होगा, यानी कि क्लैश कोड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे जो इसके एट्रीब्यूट्स है वो पर्सनली काफ़ी अच्छे, मतलब कि एट्रीब्यूट्स खुद में ही अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की यहाँ पे कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी अभी गरेना यहाँ पे एक गन, एक इवोल्यूशन गन को रिटर्न में ला रही है, या तो वो स्कार हो गया फिर AK-47। तो मुझे जहाँ तक लगता है कन्फर्म हो चुका है कि AK-47 रिटर्न में आने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर बंदों ने उसी के लिए वोट किया होगा। मैंने भी देखा कि ज़्यादातर बंदे यही चाहते हैं कि जो AK-47 है वो रिटर्न में आए। अब कब आएगी उसकी डेट मैं आपको कल बता दूंगा, और साथ ही में जो इवोल्यूशन यूएमपी, इवोल्यूशन फार्मास है, हमारी M1887 की गन स्किन है, उनकी डेट भी आपको मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। अब FFIC रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो FFIC के जब रिवॉर्ड के इवेंट आए थे तो मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई थी, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि गरेना शायद उसको ग्लिच से दे दिया होगा और उसको ग्लिच को हटा देगी, और उन्होंने शायद मजाक में बोला होगा, लेकिन ये बात सच में हो गई और गरेना ने इसको हटा दिया और जो रिवॉर्ड उनको चेंज कर दिया, अलग तरीके से देगी। अब ऐसा क्यों किया इसकी बात करते हैं। तो देखो जब 4 लाख की वॉचिंग कंप्लीट होती है तो हमको जो रिवॉर्ड्स है उनको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्लेम करना पड़ता। अब जो बंदा लाइव स्ट्रीम को देखता नहीं देखता, रिडीम कोड लेता नहीं लेता, उससे कोई मतलब नहीं रहता, उसको जाकर सिर्फ गेम में जाकर क्लेम करना रहता। लेकिन अब क्या होगा, अब गरेना इसको रिडीम कोड देगी, जो भी टोकन हो गया उसके रिडीम कोड देगी लाइव स्ट्रीम पर, और जो रिडीम कोड को हम रिडीम करेंगे तब हमको टोकन मिलेंगे और फिर जाकर हम उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। और आप चाहते हो कि वो रिडीम कोड आपको भी मिले और आप ये रिवॉर्ड मिस ना करो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे अब रिडीम कोड मिलेंगे मैं तुरंत उसी समय वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कोई समस्या भी आती है तो आप कमेंट करके वहाँ पे बता देना, तो मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन भी वहीं पे कर दूंगा। ये हमारी अपकमिंग कटाना की स्किन जो कि बहुत ही जल्द हमारे इंडियन सर्वर में आने वाली है कुछ ही दिनों बाद, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट लग रही है, मुझे सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि इसका एनिमेशन कुछ अलग ही है। और सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई कटाना की स्किन आ रही है तो मुझे यही आ रही है, अगर कम डायमंड में आती है तो इसे मैं जरूर से निकालूंगा। आपको क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। आगे देख लेते कुछ और कटाना स्किन जो कि दिखने में सिंपल सी, इसमें कुछ खास एनिमेशन नहीं है, जो दूसरी कटाना स्किन में था वही एनिमेशन है, या फिर जो तलवार पर एनिमेशन था वही एनिमेशन है। बाकी एक हमारी दिवाली की थीम वाली भी कटाना की स्किन है जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही दिवाली की थीम वाली भी, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। और इसमें भी वैसे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो टॉप वाली थी मुझे वही लगी थी, जो फर्स्ट वाली वो सबसे बेस्ट लगी थी, तो आपको
इन तीनों में से कौन सी बेस्ट लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। दो साइथी की स्किन भी आने वाली है जिसमें से पहली आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और एक काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका एनिमेशन और बाकी लुक वगैरह भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता यार साइथी इतना बड़ा क्यों है, मतलब थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, साइथी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इससे मूवमेंट स्पीड भी काफ़ी कम हो जाती है अगर आप इसको लेकर खेलोगे तो। दूसरी हमारी बुया वाली साइथी की स्किन, यह भी दिखने में काफ़ी अच्छी है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन। आगे आपको देखने को मिलेगी बेट की स्किन जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी है, बेलन की थीम पर डिज़ाइन की, मतलब कि पूरा का पूरा बेलन ही यहाँ पर बना दिया है बेट की स्किन में और ये दिखने में काफ़ी अच्छी है। एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है। लेजेंड स्किन होने वाली दिवाली के टाइम पे ये स्किन आएगी और शायद एक डायमंड टॉप अप भी आ सकती है। एक और बेट की स्किन है जो कि क्रिकेट बैट की तरह डिज़ाइन की गई है, इसमें कोई एनिमेशन तो नहीं है, मतलब कि लेजेंड नहीं होने वाली। और ये जो क्रिकेट बैट की स्किन है शायद पाकिस्तान की थीम पर बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान का जो मेल बंडल है क्रिकेट बंडल वो भी आने वाला है। एक और बैट की स्किन मिलेगी जो कि नॉर्मल है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो शायद ये फ्री में भी मिल सकती है। इवेंट के टाइम पर हमको एक पेन की स्किन भी देखने को मिलेगी। अब ये पेन की स्किन फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखने में ठीक ठाक लग रही है। एनिमेशन उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं, थोड़ा सा एनिमेशन है, बाकी ठीक ठाक लग रही है पेन की स्किन। और इस बार शायद एक ही पेन की स्किन आने वाली, इसके अलावा एक परांग की स्किन भी आने वाली। परांग की स्किन में उतना कुछ खास है नहीं, शायद ये हमको इलाइट पास में भी देखने को मिल सकती है।